अस्सलाम वालेकुम जी। आज वेदर देखें जी, कैसे आज यहाँ पे बड़ी गर्मी है, बहुत ही गर्मी है। देखें धूप कितनी तेज़ निकली हुई है, ये देखें ज़रा। आज यहाँ पर भी तकरीबन 90 फ़ारेनहाइट जाना है, उन्होंने हीट की वार्निंग दी हुई है। तो ये देखें कितनी गर्मी है। जा रहा है जी स्कूल, ये देखें बच्चों को बस 2-3 दिन रह गए हैं छुट्टियां होने में, फिर बच्चे स्कूल करेंगे, छुट्टियां हो जाएंगी इनको भी। यहाँ पर जी आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज इन्होंने हीट वार्निंग दी हुई थी, जिसकी वजह से आज इन्होंने ना बच्चों को जल्दी छुट्टी दे देनी थी। तो बिल्कुल पाकिस्तान वाला हाल था कि सुबह उठते ही ना ऐसे था जैसे मुँह ना जल रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी आपको ये चिकन नज़र आ रहा है, इसकी मैं बनाने लगी हूँ यखनी, क्योंकि आज मैंने बनाना है चिकन यखनी वेजिटेबल पुलाव। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा चिकन मैंने लिया है, और इसमें मैंने ये थोड़े से प्याज काट के डाल दिए हैं, 2-3 जवे लहसुन के डाल दिए हैं। इसमें डालूँगी थोड़ा सा ये ज़ीरा, ये 1-2 सब्ज़ इलायचियाँ। पहले हम इसकी यखनी बना लेंगे चिकन की, क्योंकि चिकन की यखनी के साथ ना वेजिटेबल पुलाव बहुत मज़े का बनता है। और इसके साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा ये सूखा धनिया पाउडर, आप सूखा धनिया साबुत भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें साबुत नहीं डाला, मैंने इसमें ये पाउडर ही डाल दिया है। 2-3 डालेंगे लौंग, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालेंगे, चिकन मेरा ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ही डालूंगी इसमें। थोड़ी सी डालूंगी इसमें ये साबुत काली मिर्चें, ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी डाल दूंगी इसमें। मैं यहाँ पर चिकन का बना रही हूँ, मटन का, बीफ का, दोनों में से किसी का भी बना सकते हैं। एक बड़ी इलायची डाल दूंगी, थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूंगी। अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे यखनी को। तो यहाँ पर जी दूसरी साइड पर मैंने रख दी है यखनी, और इधर अब हम बना लेंगे अपने पुलाव का मसाला। तो पुलाव का मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल के लूँगी, ये मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं। ऑयल गरम होगा तो हम अपने प्याज ब्राउन कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर जी ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें मैं डाल दूँगी ये प्याज, ये मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। एक मीडियम साइज का प्याज लेके इसको अच्छे तरीके से अब हम लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। उधर हमारी यखनी भी तैयार हो जाएगी चिकन की, और इधर हमारा मसाला भी बन जाएगा। यहाँ पर इसके साथ ही मैं डाल दूँगी एक बादियान का फूल, बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 2 स्टिक दालचीनी के। इनको भी इसके साथ ही हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। इसके साथ ही इसमें मैं ये लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी डाल दूँगी। इसको भी अब हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से आज ईद का दूसरा दिन है, बड़ी रौनक पाकिस्तान में होती है। तो आपको पता है हमारी ईद तो यहाँ पर ऐसे ही गुजरती है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। बकरा ईद तो सबकी बहुत अच्छी गुजरती है, कुर्बानी वगैरह का ज़ोरों शोर होता है, घर में दावतें होती हैं, क्या खाने बन रहे होते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी बकरा ईद कैसी गुजारी ना। तो यहाँ पर जी जो चिकन मैंने रखा था ना यखनी बनाने के लिए, वो भी ये अब मैं इसमें निकाल के ना चिकन की बोटियाँ वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये चिकन की 1-2 मैंने बोटियाँ डाली थी, इसका थोड़ा सा ना फ्लेवर इसमें आ जाए। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी चिकन को ना। इसके साथ ही इसमें मसाले भी डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरे का, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी। मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड ये बोन वाला चिकन नहीं खाते, तो इसलिए ना मैंने इसके साथ इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल डाल देनी है, ताकि वो भी खुश हो के खा लें और हम भी खुश हो के खा लें।
उनके लिए वेजिटेबल डाल दूंगी, अपने लिए हम लोगों ने चिकन डाल लिया है। तो इस तरह से ये मज़ेदार सा हमारा चिकन वेजिटेबल पुलाव बनके तैयार होगा। थोड़ी सी इसमें ये मैं यखनी डालूंगी ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे। अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। इसमें मैं ये थोड़ी सी ना इमली भी डाल दूंगी इसको खट्टा करने के लिए। मेरे पास आलू बुखारे नहीं थे आज ड्राई वाले, मैंने कहा चलो आज ना इसमें इमली ही डाल देते हैं। थोड़ी सी इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। यहाँ पर जी चिकन को मैंने अच्छे तरीके से मसालों के साथ भून लिया है। अब इसमें मैं ये डाल दूंगी टमाटरों की पेस्ट। मैंने दो टमाटर लेके इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और इनकी बना ली है पेस्ट। ये भी इसमें ऐड करेंगे और इसको अब थोड़ा सा पका लेंगे, फिर इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे अपनी चिकन के साथ ना। तो इसको मैं थोड़ा सा ना पका लूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। और इसके साथ ही इसमें मैं तकरीबन ये हाफ टी स्पून नमक का डाल दूँगी। इसको कर लेते हैं मिक्स, इसको कर देंगे कवर। अब इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर देखें जी चिकन को टमाटर वगैरह डालकर मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद पका लूँगी। पहले मैं इसमें ये वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी जिसमें मैंने लिए हैं थोड़ी सी गाजरें, थोड़े से आलू और थोड़े से मटर। ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मसालों के साथ भून लेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स भी थोड़ी सी ना पक जाएं। हमने गलाना नहीं है वेजिटेबल्स को, बस थोड़ा सा इनको भूनना है। तो इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए कर दूँगी कवर। ये इस तरह से, तो यहाँ पर देखें जी हमारी सब्जियाँ और चिकन जो है वो मसाले के साथ कितने ज़बरदस्त भुन गए हैं। ये देखें ज़रा, अच्छे तरीके से हमने कर ली है जी इसकी भुनाई। इसमें डाल दूंगी जी ये चार पांच सब्ज़ मिर्चें और इसके साथ इसमें ये मैं हाफ लेमन भी निचोड़ दूंगी इसके साथ। बड़े मज़े के चावल बनेंगे ये। तो ये जी मैंने इसमें निचोड़ दिया है हाफ लेमन। मैंने यहाँ पर ये चिकन का पुलाव बना रही हूँ, आप बीफ का मटन का आप वो बना सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में ना बीफ और मटन इतना नहीं खाया जाता तो इसलिए मैं चिकन का बना रही हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में आजकल बड़ी ईद है तो आप ये मटन और बीफ का बनाएं। मैं कहती हूँ ये पुलाव इतना मज़ेदार बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी जी ये यखनी जो हमने चिकन की बनाई थी। इसमें ये मैं डालूंगी एक कप। इसको मैं थोड़ा सा छान लूंगी। ये मैंने इसमें डाल दी हैं जी दो कप यखनी के जो हमने चिकन की बनाई थी। अब मैं इसको बॉईल कर लूंगी। जैसे ही बॉईल आएगा इसको तो मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल मैंने दो कप जो हैं वो मैंने भिगो के रख दिए हैं। इसको अब मैं बॉईल कर लूंगी। यहाँ पर देखें जी पानी जो है हमारा ज़ोरों शोर से बॉईल होने लग गया है। ये देखें अब हम इसमें डाल देंगे अपने चावल। ये देखें जी ये अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने चावल। ये मैंने चावल दो कप लिए हैं, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब हम इसको डाल देंगे ये सारे मिक्सर के अंदर और इसको हम अच्छी तरह से पका कर फिर इसको लगाते हैं दम। क्या यमी यमी सा पुलाव बन रहा है, आप बना के देखें, बहुत मज़ेदार बनता है। दावतों पे बनाए हैं इस तरह का पुलाव, यखनी पुलाव। तो ये देखें जी पानी हमारा इसमें से काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। ये देखें अब हम इसको लगा देंगे जी दम। तो हमारा मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल पुलाव जो है ना वो तैयार हो जाएगा, चिकन यखनी पुलाव। इसको रख दूंगी जी अब मैं दम पे। चूल्हे की आंच को कर दूंगी कम, तकरीबन इसको 20-25 मिनट दम पे रख दूंगी। तो यहाँ पर जी तकरीबन हो गए हैं 15 मिनट। अब मैं चावलों को सारा कर लूंगी मिक्स ताकि हमारे सारे जो चावल हैं ना ऊपर नीचे वाले सारे अच्छी तरह से
पक जाएं। और यहाँ पर लगा दूंगी जी दोबारा इनको मैं दम। दम लगाने से पहले इसके ऊपर डालूंगी जी मैं ये सब्ज़ धनिया, ये मेरे पास फ्रोज़न है। आज मेरा ना फ्रेश धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज इसके ऊपर ना यही धनिया डाल देते हैं। तो अब मैं इसको लगा दूंगी दोबारा से दम, और इसको तकरीबन 20-25 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी, चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का कर दूंगी। यहाँ पर देखें जी मैं आई हूँ अब्दुल को बस स्टॉप पे लेने के लिए, और आज इतनी गर्मी है ना कि यहाँ पर 90 फारेनहाइट है, और ये देखें बाहर कोई भी नहीं है। आज इन्होंने जल्दी बच्चों को छुट्टी दे दी थी, यहाँ पर 2 बजने वाले हैं तकरीबन, और देखें कितनी गर्मी है आज यहाँ पे, ऐसे है जैसे पाँव जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। वो जिमें पाकिस्तान च नहीं सर्दी धुप्प होंदी है वो वाला हाल होया इत्थे भी अज ना। ये देखो ज़रा, ये देखें कितनी गर्मी है आज। तो यहाँ पर जी चावलों को मैंने दम पे रख दिया है, अब मैं बनाने लगी हूँ इधर झटपट शीर खुरमा, क्योंकि आपको पता है ईद हो दावत हो और मीठा ना हो तो ईद और दावत का मज़ा नहीं आता। तो मैं यहाँ पर अब बनाने लगी हूँ शीर खुरमा, उसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन ये 4 कप दूध के, ये 4 कप मैंने दूध के ले लिए हैं इसमें। तो जैसे ही दूध को बॉयल आएगा तो ये मैंने लिया है जी शान का शीर खुरमा, जिससे आप झटपट जो है दावत पे ईद पे शीर खुरमा बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये मिक्स है, जल्दी से और आसानी से बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जी दूध को हम ज़रा बॉयल कर लेंगे, फिर इसमें हमने ये शान का शीर खुरमा मिक्स डाल के इसको थोड़ा सा पकाना है, और फिर हम रूम टेम्परेचर पे जब आएगा तो हम फ्रिज में रख देंगे। तो मैं कहती हूँ मज़ेदार शीर खुरमा तैयार हो जाता है। मैंने ये पिछली ईद पे भी बनाया था तो बहुत मज़े का बना था, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह में भी ये मिल जाता है, तो हमारे तो यहाँ पे ये आसानी से मिल जाता है। इसमें कोई आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये मिक्सर आपने डालना है और आपका मज़ेदार शीर खुरमा बन जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसमें मिक्सर है, सेवियाँ हैं, ये छुवारे हैं, ये इसमें किशमिश है, ये देखें रेजिन है, सब कुछ इसमें पिस्ता भी है। इस तरह से ये देखें आप बना लें इसको, ये बहुत मज़े का बनता है। ये देखें ये मिक्सर बस हमने डालना है, इसमें चीनी भी नहीं हमने डालना, इसमें चीनी भी काफ़ी होती है। तो बस दूध को बॉयल आने दें, फिर हम इसमें ये मिक्सर डाल देंगे। यहाँ पर देखें जी दूध को आ गया है बॉयल, अब हम इसमें ये जो शीर खुरमा का मिक्सर है ये इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। जितना आपको थिक करना है आप इसको उतना पका लें, ज़्यादा थिक करना है तो आप इसको ज़्यादा पका लें, अगर आपने इसको कम थिक रखना है तो कम पका लें, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको जितना रखना है। और इसमें अब हमने कुछ नहीं डालना, और इसके साथ ही इसमें मैं ये थोड़ी सी हैवी क्रीम भी डाल दूँगी, ताकि इसका जो टेक्स्चर है ना थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी सा आए। इसमें मैं ये भी ऐड कर दूँगी, अब इसको मैं गाढ़ा होने तक अच्छे तरीके से पका लूँगी, ताकि हमारा जो दूध है वो अच्छे तरीके से पक जाए और हमारा मज़ेदार सा शीर खुरमा बन जाए। तो ये देखें जी हमारा जो शीर खुरमा है वो कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, ये देखें कितना गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसकी फ्लेम को कर दूँगी ऑफ, और इसको निकाल के इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फिर इसको मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं अब निकाल लूँगी, ये देखें कितना गाढ़ा हो गया, ये देखें कितना मज़े का बना है, और टाइम भी आपका बच जाता है। आप ये ज़रूर ट्राई करके देखें शान का ये शीर खुरमा। तो इसको मैं कर लूँगी जी अब डिश आउट। तो यहाँ पर देखें जी हमारा चिकन वेजिटेबल पुलाव कितना मज़े का बना है। मैंने ये सारा खाना जो है मैंने टेबल पे सेट कर लिया है, ये देखें जी ये मैंने साथ में नान रख लिए हैं, ये हमारा चिकन वेजिटेबल पुलाव है, साथ में मैंने ये सुबह वाले चने भी रख दिए थे,
मैंने कहा जिसने खाने होंगे खा लेंगे। और ये हमारा शीर खोरमा देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आपको पता है ईद का दिन हो और दावत हो और इस तरह की चीज़ें ना हो तो मज़ा नहीं आता ना। ये देखें इसके ऊपर मैंने थोड़े से डाल दिए हैं बारीक कटे हुए बादाम, और साथ में ये मैंने स्टीम चिकन बना लिया था क्योंकि मेरे पास फ्रीज़र में पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें इसे भी स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें टेबल पे रख दी हैं, ये देखें ये हमारा चिकन वेजिटेबल पुलाव देखें कितना मज़े का बना है। ये देखें तो ये है जी हमारा आज का डिनर। आई होप आपको ये मेरी आज की रेसिपी चिकन वेजिटेबल पुलाव और साथ में ये शीर खोरमा की रेसिपी जो है ये आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही जी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।